ब्रेक के बाद दोबारा आपका हचना एफ 24 टीवी के खास ब्रेडर में खैर मुकदम है। बात करते हैं व्हाट्सएप की। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यूज होने वाला व्हाट्सएप एक अपडेट मांग रहा है, जिसमें व्हाट्सएप में आप शॉपिंग वगैरह की कई सारे फैसिलिटी मौजूद रहेंगे। वैसे तो हर साल अपडेट आते रहते हैं, लेकिन इस साल अपडेट में कुछ लोगों को नुकसान भी दिख रहा है तो कुछ लोगों को अच्छा भी दिख रहा है। देखिए खास रिपोर्ट। व्हाट्सएप यूजर्स को ऐप की नई टर्म और प्राइवेसी पॉलिसी को जल्द ही एग्री करना होगा। माना जा रहा है कि अगर आप इस प्राइवेसी पॉलिसी से एग्री नहीं होंगे तो आप व्हाट्सएप का यूज नहीं कर पाएंगे। WA बीटा इन्फो की माने तो व्हाट्सएप 8 फरवरी 2021 को अपनी टर्म्स ऑफ सर्विस को अपडेट करने जा रहा है। अगर व्हाट्सएप यूजर्स इसे अग्री नहीं होते हैं तो वे व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। नई पॉलिसी में फेसबुक और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन ज्यादा है और अब यूजर्स का पहले से ज्यादा डेटा फेसबुक के पास होगा। व्हाट्सएप का डेटा पहले भी फेसबुक के साथ शेयर किया जा रहा था, लेकिन कंपनी ने साफ कर दिया है कि फेसबुक के साथ व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम का इंटीग्रेशन अब और ज्यादा रहेगा। कंपनी ने अपने नए अपडेट में बताया है कि वो किस तरह से अपने यूजर डेटा को प्रोसेस करती है। इसके अलावा वो यूजर्स के चैट को किस तरह से स्टोर और मैनेज करती है। व्हाट्सएप की पॉलिसी अपडेट में आपके द्वारा कंपनी को दिए जा रहे लाइसेंस में कुछ बातें लिखी गई है। इसमें लिखा है कि हमारी सर्विसेज को ऑपरेट करने के लिए आप व्हाट्सएप को जो कंटेंट अपलोड, सबमिट, स्टोर या सेंड रिसीव करते हैं, उनको यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले करने के लिए दुनिया भर में नॉन एक्सक्लूसिव, रॉयल्टी फ्री, सबलिसेंसेबल और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। बता दें व्हाट्सएप में नए फीचर्स भी जुड़ने वाले हैं, जैसे बैंकिंग, शॉपिंग। आप जिस तरह से इंस्टाग्राम पर अपने पोस्ट फेसबुक पर भी इजीली शेयर कर देते हैं, अब व्हाट्सएप पर भी ये सब मुमकिन हो पाएगा। लेकिन नए पॉलिसी को लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। वैसे कंपनी इसके पीछे सुरक्षा और सुविधा का हवाला दे रही है, लेकिन व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक के पास जाना कितना सुरक्षित है, ये एक सवाल जरूर है।